नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एचपी शिक्षा चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई दिन भर की ताज़ा खबरों को। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। तो फर्स्ट अपडेट है मंडी एलपीजी सिलेंडर फटने से लगी आग, घर राख जिंदा जला मकान मालिक। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के करसोग की पंचायत थाट थर्मी के कमांद गांव में सिलेंडर फटने से चार कमरों का मकान जलकर राख हो गया। एक दर्दनाक हादसे में 52 वर्षीय मकान मालिक की भी जिंदा जलकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही तहसीलदार करसोग घटनास्थल पहुंचे और पीड़ित परिवार को फौरी तौर पर 15,000 की राशि जारी की गई। तो जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे मकान में आग लग गई। ग्रामीणों ने जैसे ही मकान की छत से धुआं निकलते देखा तो वह घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि काबू नहीं पाया जा सका। तो नेक्स्ट अपडेट है हिमाचल 10वीं कक्षा के 1,16,000 विद्यार्थी प्रमोट, 30 मई तक दाखिले निर्देश जारी। तो हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के 1,16,000 विद्यार्थियों को 11वीं कक्षा में प्रमोट करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो निदेशालय ने सभी जिलों के शिक्षा उप निदेशकों को 30 मई तक 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को रोल ऑन आधार पर 11वीं कक्षा में दाखिला देने को कहा है। तो साथ ही स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम तैयार करने के निर्देश दिए हैं। तो विद्यार्थियों को हर घर पाठशाला कार्यक्रम में कक्षाएं लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। तो नेक्स्ट अपडेट है शिमला 3 घंटों की ढील के बाद भी खुले रहेंगे होटल रेस्टोरेंट और ढाबे, यह काम भी होंगे प्रशासन से स्पष्ट की स्थिति। तो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में कोरोना कर्फ्यू में 3 घंटों की ढील के बाद भी होटल रेस्टोरेंट व ढाबे चलते रहेंगे। डीसी शिमला आदित्य नेगी की ओर से जारी आदेशों के अनुसार जिले में जरूरी वस्तुओं की दुकानों को खोलने के लिए सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित 3 घंटों की बंदिश होटल रेस्टोरेंट व ढाबों पर लागू नहीं होगी। ढाबे होटल व रेस्टोरेंट पर्यटन विभाग की ओर से जारी SOP के तहत संचालित किए जाएंगे। इस संबंध में विभिन्न हितधारकों वर्करों व स्टाफ की ओर से प्राप्त शिकायतों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू के दिशा निर्देशों को स्पष्ट किया है। इस संबंध में जिला पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है। तो नेक्स्ट अपडेट है हिमाचल के हर जिले में खुलेंगे खादी मित्र केंद्र, बोर्ड ने शुरू की तैयारी। तो हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में लोक मित्र केंद्रों की तर्ज पर अब खादी मित्र केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए खादी बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में खादी मित्र केंद्र खोलने के बाद यहां लोगों को देसी उत्पादों की सुविधा मिलेगी। तो प्रत्येक जिले के लोगों को खादी उत्पाद खरीदने में आसानी रहेगी, उन्हें घर द्वार ही यह उत्पाद मिल जाएंगे। तो इन खादी मित्र केंद्रों में खादी वस्तुओं और हस्त निर्मित वस्तुओं को बेचा जाएगा। तो नेक्स्ट अपडेट है शिमला फूल गोभी के दाम गिरे, मुफ्त बांटने और पशुओं को खिलाने के लिए मजबूर किसान। तो सब्जी उत्पादकों पर कोरोना की मार लगातार पड़ रही है। देश के बड़े राज्यों में लगाए गए कर्फ्यू और लॉकडाउन के कारण फूलगोभी की डिमांड घटने से सब्जी उत्पादकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सोमवार को शिमला की ढली मंडी में फूलगोभी 3 से 6 रुपए प्रति किलो के थोक भाव पर बिकी। तो नेक्स्ट अपडेट है शिमला गुड़िया मामले में दोषी की सजा पर सुनवाई 18 मई तक टली। तो हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड मामले में दोषी की सजा पर सुनवाई अब 18 मई तक टल गई है। शिमला जिले के कोटखाई में साल 2017 में हुए गुड़िया दुष्कर्म व हत्याकांड में CBI की ओर से पेश चालान में दोषी साबित हुए चिरानी अनिल उर्फ नीलू को जिला शिमला की विशेष अदालत ने 28 अप्रैल को दोषी करार दिया था, जिस पर दोषी को मंगलवार को सजा तय होनी थी, लेकिन कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों के चलते अब इस मामले में 18 मई की तारीख तय की गई है। तो नेक्स्ट अपडेट है हिमाचल बिजली गिरने से 2 युवकों की मौत, चंबा में बाढ़ के मलबे में दबी 30 भेड़ बकरियां। तो हिमाचल प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय 10 जिलों के लिए जारी भारी बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि के ऑरेंज अलर्ट के बीच जानमाल का भारी नुकसान हुआ है।
शिमला जिले के झांकड़ी में बिजली गिरने से दो युवकों की मौत हो गई। चंबा के भरमौर में नाले में आई बाढ़ के मलबे में दबकर 30 भेड़ बकरियां मर गई जबकि कुछ बह गई। तो रोहतांग पांगी में मंगलवार को ताजा हिमपात हुआ जबकि रामपुर के धलोग समेत अन्य गांव में ओलावृष्टि से सेब की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। झाकड़ी के मशनू गांव में नेपाल मूल के दोनों युवक जमींदार के खेत में काम करने के बाद बीते रविवार को देर रात घर लौट रहे थे तो रास्ते में बारिश शुरू होने पर दोनों ने बांध के पेड़ के नीचे आड़ ली। इसी बीच बिजली गिरने से दोनों के शरीर पर छाती से पांव तक कई छेद हो गए जिससे उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान रेशम 27 वर्षीय और विशाल 35 वर्षीय निवासी नेपाल के रूप में हुई है। तो नेक्स्ट अपडेट है, बीएससी नर्सिंग में बिलासपुर की मनु ने हिमाचल में किया टॉप। तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के स्वार घाट की ग्राम पंचायत स्वाहण के ग्राम ढोलरा की मनु शर्मा ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की बीएससी नर्सिंग परीक्षा में टॉप किया है। यूनिवर्सिटी ने हाल ही में बीएससी नर्सिंग का परीक्षा परिणाम घोषित किया है। तो इसमें मनु शर्मा पुत्री प्रवीण कुमार चौथे वर्ष की परीक्षा में 2326 अंक लेकर प्रदेश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो मनु शर्मा ने 81.67% अंक हासिल किए। मनु शर्मा ने बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पहला और सेकंड ईयर में दूसरा स्थान हासिल किया था। तो नेक्स्ट अपडेट है, करसोग में 23 वर्षीय युवती से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, अश्लील वीडियो भी बनाया वायरल करने की धमकी। तो हिमाचल प्रदेश में जिला मंडी करसोग में 23 वर्षीय युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस पर थाना में मामला दर्ज किया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक थाना में दर्ज की गई शिकायत में आरोप लगाया है कि 25 वर्षीय कुमार सिंह उर्फ नितिन निवासी गांव भोरा ने 8 मई देर रात को जबरन घर में घुसकर उसके साथ जोर जबरदस्ती कर दुराचार किया। दोनों युवक व युवती साथ पढ़ते थे। एक शादी में युवक ने युवती के सामने शादी के लिए प्रस्ताव रखा था जिसके बाद इन दोनों के बीच और नजदीकियां बढ़ गई और मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। तो इस दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए जिस कारण युवक ने वीडियो बना लिया। युवती को इसकी जानकारी नहीं थी। ऐसे में युवक 8 मई को युवक देर रात युवती के घर पहुंच गया और अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। इस पर युवती ने थाना करसोग में शिकायत दर्ज करवाई है। तो पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। डीएसपी करसोग गीतांजलि ठाकुर ने मामले की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सोमवार को देर रात दुराचार का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। तो नेक्स्ट अपडेट है, मुख्यमंत्री जयराम का मीम बनाया, पुलिस ने तलब किया युवक। तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का उपहास उड़ाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाला युवक को पुलिस ने तलब किया है। यह युवक रिंकू जरियाल हमीरपुर जिले के भोरंज का रहने वाला है और कांग्रेस का कार्यकर्ता है। इस वीडियो पर भाजपा ने आपत्ति जाहिर की और पुलिस में शिकायत कर दी। तो नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, पूर्व विधायक बंबर ठाकुर, पूर्व सीपीएस नीरज भारती और प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल समेत एक दर्जन कांग्रेस नेता रिंकू जरियाल के बचाव में उतर आए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना कि भाजपा का आईटी सेल आए दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री समेत सम्मानित नेताओं के कार्टून बनाकर डालते रहते हैं, इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी परेशानी होती है। उधर डीएसपी बरसर शेर सिंह ने कहा कि रिंकू को थाने बुलाया, उससे वीडियो के बारे में पूछताछ की गई है। तो फ्रेंड्स यही थी अपडेट, दिन भर की इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कमेंट और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।